स्टूडेंट, मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने 12th का सिलेबस स्टार्ट किया था, तो कमेंट के द्वारा कुछ स्टूडेंट ने बताया भी है कि उनको जो 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उनको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया। बकायदा उन्होंने रीजन भी लिख डाला है कि उन्होंने 11th का केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है या एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का कि अगर आपने 11th का ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा, 11th का जो कुछ सिलेक्टेड ऑर्गेनिक्स के चैप्टर हैं, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आपको 12th का ऑर्गेनिक एकदम समझ में नहीं आएगा। रटने को तो रटा जा सकता है लेकिन वह हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाएगा, हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएगा। तो बहुत जरूरी है हमें 11th का भी ऑर्गेनिक सीखना, क्योंकि 12th का हमें क्या करना है, एग्जाम देना है। और जब 12th का एग्जाम देंगे हम, तो एग्जाम तब देंगे जब हम अच्छे से पढ़े रहेंगे, अपने सिलेबस को, हमारे चैप्टर पे हमारा कमांड रहेगा। लेकिन वह कब समझ में आएगा, जब हमें 11th मालूम रहेगा ऑर्गेनिक का। तो इसी मुद्दे पे हमारा बात भी हुआ है कोचिंग के डायरेक्टर सर से, उन्होंने बोला भी है कि जो सिलेक्टेड ऑर्गेनिक्स के चैप्टर हैं उनको एक बार से और आप बता दीजिए, उस पर आप एक और वीडियो बना दीजिए, एक और चैनल बना के उसको डाला जाए, ताकि जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा है या जिनको नहीं पता है, जिन्होंने पढ़ा भी है समझ में नहीं आया है, उनके लिए भी एक बेटर प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि वह पहले 11th को चैप्टर को देख के 12th अपना समझ सके। तो आज बेसिकली हम लोगों को जो बात करना है वह 11th के ऑर्गेनिक पे बात करना है, और मैं चाह रहा हूं कि इसको थ्रूली एक बार थोड़ा स्पीड से इसको पढ़ लिया जाए, ताकि आपको 12th के जो आपका 12th का ऑर्गेनिक का सिलेबस है उसमें कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि सर यहां समझ में नहीं आ रहा है, ये मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म है क्या, मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते क्यों है, मैकेनिज्म हमें बताता क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है, नॉमनक्लेचर क्या है, हम किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या सिस्टम है हमारे पास, क्या सीरीज है हमारे पास, क्या सीरियल। तो इसी सब बातों को लेकर आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हूं और हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे 11th का केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें आपको करना यह है कि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको ऑर्गेनिक में आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप उसको चाह रहे हो कि मैथ की तरह मैं एक कंसेप्ट सीखूं और सारे क्वेश्चन को बुला डालूं, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संभव नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन का एक अपना अलग कंसेप्ट है, हर एक रिएक्शन का अपना एक अलग मैकेनिज्म है। तो उस चीज को आपको जानना पड़ेगा, उस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उस चीज को बार बार आपको रिवाइज डालना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। नहीं तो कोई कितना ही अच्छा से पढ़ा देगा, अगर आपने ये सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो आपको किसी भी कीमत पे वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। तो सबसे बेटर तरीका यह है कि जो भी आज बताया जा रहा है, मैं तो बता भी देता हूं कि कल हम ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोग देख के आइएगा। तो वह स्टूडेंट जो एक बार अपने घर से देख के आया, एक बार उसको मैंने यहां बोर्ड पे बताया, फिर उसी चीज को वह जाके एक बार घर पे पढ़ा, वह कभी भूल सकता है क्या? कभी नहीं भूल सकता। आप लोग भी यह रूटीन फॉलो कीजिए कि जो भी मैं बता रहा हूं उसको आप एक दिन पहले पढ़ के आइए, या फिर जो मैं अभी जो 11th का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं तो मैं डेली बता दूंगा कि कल मैं इस चीज पे बात करूंगा, कल मैं इस चीज को बताऊंगा, आप लोग उसको देख के आए, आप लोग उसको पढ़ के आए,
तो आप लोगों के पास 11th का तो कॉपी होगा ही, सभी के पास 11th का नोटबुक भी होगा, 11th का बुक भी होगा। तो आप लोग उस चीज को एक बार पढ़ के आओ, फिर मैं उस चीज को यहाँ बताऊंगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि मैं जो भी 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा वो अपने ढंग से पढ़ाऊंगा, अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, वो आपको किसी भी बुक में बुक से मैच नहीं होगा। आप अपना बुक पढ़ के आइए, कंसेप्ट सेम मिलेगा, मैं यहाँ पे वही चीज बताऊंगा जो आपके बुक में रहेगा। तो उस चीज को आप एक बार पहले घर से पढ़ के आइए, फिर मैं उसको एक बार यहाँ बताऊंगा, एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर जाके घर पे वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं, और एक और बात बतानी है कि हम लोग फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस पढ़ते चलेंगे, साथ ही साथ जो 12th का अपना सिलेबस है उसको भी हम पढ़ते चलेंगे साथ में। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि जो अपना 12th का सिलेबस रहेगा मैं थोड़ा सा उसमें स्लो चलूंगा, जो 11th का सिलेबस है अपने पास उसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट में लेके चलूंगा, क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं बता रहा हूं और इंशाल्लाह बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा 11th का जो ऑर्गेनिक है उसको मैं थोड़ा जल्दी में बताऊंगा, कुछ चीजें ऐसी है जो उसको मैं केवल समझा के निकल जाऊंगा, वहां पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ चुके हो ऑलरेडी, दोबारा यहाँ देख रहे हो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इलेवेंथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ठीक है। इलेवेंथ में भी हमारा सेम वही प्रोसेस रहेगा, जिस स्टूडेंट को भी जिस कंसेप्ट में भी डाउट है आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, मैं जो नेक्स्ट लेक्चर अपना आएगा उसमें मैं फिर से उसको रिकैप कर दूंगा, फिर से उसको रिमाइंड करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का, क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा आया कैसे। 19th सेंचुरी तक दो ही ब्रांच था केमिस्ट्री का, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। दो ही ब्रांच था हमारे पास केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन अकार्बनिक रसायन, अर्थात दोनों में क्या डिफरेंस, क्या अंतर है दोनों में, ये हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाए, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जस्ट इसके अपोजिट, यानी रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें कार्बन से संबंधित यौगिकों को छोड़कर बाकी दूसरे यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाए उसे क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना तो सभी लोग जानते हैं, 19th का ये डेफिनेशन 19th में ये बताया जाता है आप लोगों को, आ रहा है कि नहीं बात समझ में। तो हम लोगों को बेसिकली किस पे बात करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर,
देखिए एक और उस पे एक और थीसिस आया जिसको बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, अब ये क्या हुआ वाइटल फोर्स थ्योरी? तो वाइटल फोर्स थ्योरी के द्वारा हमें बताया गया कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, जीवित जीव से प्राप्त होता है। दूसरा डेफिनेशन ये आ गया, जैसे यह हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है वह सड़ जाता है, उससे जो गैस प्राप्त होता है मैथेन, वह क्या है? ऑर्गेनिक। लेकिन फिर कुछ दिन चल के 1828 के करीब, 1828 में फ्रेडरिक होलर, उन साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक होलर, जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमोनियम साइनेट से जो है यूरिया बना दिया। अब अमोनियम साइनेट जो है वह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उससे यूरिया बना दिया उन्होंने, वह एक क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वहां पे जो वाइटल फोर्स थ्योरी था वहां के क्या हो गया? फेल्योर हो गया। अपना जो वाइटल फोर्स थ्योरी था वह वहां पे आके क्या हो गया? फेल्योर हो गया। फिर हम देखते हैं कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी था वहां के क्या हो गया? डाउनफॉल हो गया, डाउनफॉल हो गया, फेल्योर हो गया। तो उसके बाद हम यही डेफिनेशन देते आते हैं कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाए उसे क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। यानी अगर लिखा जाए, डेफिनेशन में लिखा जाए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ? यानी रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं रसायन शास्त्र, क्या लिखा मैंने? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें जिसमें कार्बन तथा उसके उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है
अध्ययन किया जाता है तो उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। तो उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखा हमने? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? बेसिक फंडामेंटल है। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लिया जाए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिए आप लोग अपने नोटबुक में। ठीक है, हो गया स्टूडेंट, आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं कि जो हमारे पास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमें क्या क्या चीजें को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या देखते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। इसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, क्या देखना है हमें? इंट्रोडक्शन यानी परिचय, फिर हमें देखना है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी पहला में क्या है अपने पास? इसमें हमें इसके इंट्रो के बारे में देखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसके सोर्स क्या है, इसके हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे पास एप्लीकेशन क्या है, इसका कौन कौन से सूत्र हैं जो इसमें अप्लाई होते हैं, फिर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पर हमें देखना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, ये सब चीजें हमें कहाँ देखना है? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें हिंदी में शॉर्ट में लिख लीजिए संरचना, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अपने पास क्लासिफिकेशन। क्या है स्टूडेंट? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक
यौगिकों का वर्गीकरण ठीक है। इसमें हमें देखना है कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो भी हमारे पास कार्बनिक यौगिक हैं, उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है, उनका कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, किस किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसकी कौन कौन सी क्लासेस है, तो उसके बारे में हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके क्या क्या क्लास है, एलिफैटिक कंपाउंड्स क्या है, रोमेटिक कंपाउंड्स क्या है, हेट्रोसाइकल क्या है, साइकल क्या है, होमोसाइकल क्या है, ये सब चीजें को हमें इसमें देखना है। ये सब आप लोगों को मिला ही होगा। फिर नेक्स्ट है अपने पास फंक्शनल ग्रुप। क्या है फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप्स, क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह ठीक है। अब क्रियात्मक समूह क्या है, अब देखिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप है वह या तो एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, यानी एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, यानी परमाणु हो या परमाणुओं का समूह। अब ये बात हुआ फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप है क्या, इसे आप कैसे डिफाइन करोगे, तो किसी भी परमाणु या परमाणु समूह का वह समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का नॉमेनक्लेचर निर्भर करता हो और उसका प्रॉपर्टी निर्भर करता हो, यानी जिस पर जो है उसका नाम निर्भर करता हो और उसका गुण निर्भर करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये अपना कितना नंबर ऑब्जेक्टिव था। चल नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास आ जाता है होमोलोगस सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं सजातीय श्रेणी, अर्थात वैसे हाइड्रोकार्बन जिसे हम एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा इंडिकेट कर सकते हो, एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा बता सकते हो, तो ऐसे श्रेणी को बोला जाता है सजातीय श्रेणी। जैसे मान लीजिए हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल है, ब्यूटाइल अल्कोहल है, जस्ट लाइक दैट। जैसे मान लीजिए हमारे पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, तो सभी में हम देखते हैं कि क्या चीज का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, तो ऐसे श्रेणी को बोलते हैं हम सजातीय श्रेणी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स में नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर नामकरण। अब नामकरण यानी भी कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है, तो उसका नाम कैसे लिखोगे आप, यानी हमें आप लोगों को मिला भी होगा 11th के क्लास में कि दो सिस्टम है इसके नाम लिखने का, एक है कॉमन सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण पद्धति, एंड द सेकंड वन इज IUPAC सिस्टम यानी इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके हिसाब से भी हम अपने नाम को लिख सकते हैं जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। फिर इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन संकरण
क्या जाता है स्टूडेंट? संकरण। यहां पे आपको बताया जाता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा। तो इस चीज में आपको बताया जाएगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका बॉन्ड लेंथ बताया जाएगा एंगस्ट्रॉम के अंदर। फिर आ जाता है हमारे पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म समवायता, नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म क्रियाविधि। ठीक है, तो जो 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसका ज्यादा से ज्यादा यूज है हमारे 12th की केमिस्ट्री में, वो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे पास, हमें देखना नॉमेनक्लेचर। दूसरा जो है हमारे पास आइसोमेरिज्म, और तीसरा जो टॉपिक है हमारे पास, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, वो आया हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हम लोग इन तीनों चीजों को जो है ज्यादा डेप्थ में जाके देखेंगे, ज्यादा गहराई से, ज्यादा डिटेल में जाके देखेंगे, और बाकी चीजों को मैं थोड़ा थोड़ा डिक्टेट करते जाऊंगा, आप लोग उसको समझते जाइएगा। और बाकी आप लोग जो 11th में पढ़ रखे हैं उस कॉपी को भी देखिए, मैं कल जो बताने वाला हूँ उस टॉपिक वाइज बता दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, फिर हम लोग उसको देखते जाएंगे। ठीक है, 11th का जो सिलेबस है मैं बता ही चुका हूँ कि थोड़ा इसको हम लोग जल्दी लेके चलेंगे, जो 12th का सिलेबस है उसको थोड़ा स्लो करके चलेंगे, ताकि ये पढ़ने के बाद हमें 12th ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कहाँ से स्टार्ट किया जाए? इंट्रोडक्शन से। अब इंट्रोडक्शन स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन परिचय। डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं, अब हमें जो इसका पहला थ्योरी आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम था स्टूडेंट? वाइटल फोर्स थ्योरी। अब देखिए वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, इसको हम लोग समझते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी, इन्होंने इस थ्योरी में यह बताया गया कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वह लिविंग सोर्स से ही आते हैं, इसे आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। वाइटल फोर्स, अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्स थ्योरी, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात उन्हें आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके से जो है लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। यह किस थ्योरी में बताया गया? वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी इसमें क्या बताया गया कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेंड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म
लिविंग ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक दैट प्लांट एनिमल्स प्लांट एनिमल एक्सेट्रा नाइदर वी ऑब्टेन अदर आर्टिफिशियल रिसोर्सेस इन लेबोरेटरी। क्या मतलब हुआ इसका कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि इसे आर्टिफिशियल तरीका से नहीं प्राप्त किया जा सकता है लेबोरेटरी। या किस थ्योरी में बताया गया? वाइटल फोर्स थ्योरी। अब एक और चीज आता है इसके बाद, डाउनफॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। डाउनफॉल मतलब क्या? पीछे हटने का, इस थ्योरी को बैक होने का क्या कारण था? तो यह थ्योरी जो है यहीं तक समाप्त हो गया, आगे नहीं चला, क्योंकि देखते हैं हम लोग आगे कि कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास बना के देते हैं, जैसे हमारे पास यूज में आने वाला एग्रीकल्चर में है यूरिया। यूरिया जो है वह एक इनऑर्गेनिक सोर्स के द्वारा बनाया जाता है, और वह इनऑर्गेनिक सोर्स जो है वह लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो वहां पे यह जो स्टेटमेंट है या जो थ्योरी है वो आगे क्या हो गया? फेल्योर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो डाउनफॉल है वह क्या है। तो एक हमारे पास साइंटिस्ट थे 19 के राउंड में, उनका नाम था फ्रेडरिक होलर। क्या नाम था? फ्रेडरिक होलर। यह एक जर्मन साइंटिस्ट थे। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के। फ्रेडरिक होलर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वह बनाया यूरिया। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था? यूरिया। तो देखा जाए यूरिया कैसे प्राप्त किया इन्होंने, NH4 और CNO, NH4 और CNO। इसमें जो है यह CN एक साइनाइड ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? साइनाइड। अमोनिया, यानी इसका नाम है अमोनियम साइनेट। क्या नाम है इस कंपाउंड का? अमोनियम साइनेट। और यह एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी हम लोगों ने वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या देखा कि उस स्टेटमेंट के द्वारा यह बताया गया कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वह लिविंग सोर्स के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, और इसे आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन यहां हम क्या देखते हैं कि एक हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा रहा है। अब यहीं पे आके
जो वाइटल फोर थ्योरी था वह क्या हो गया, बैक आउट हो गया, वुड आउट हो गया और उसका अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इन साइंटिस्ट साहब ने किया क्या कि अमोनियम साइनेट को लेकर और जब हाई टेम्परेचर पे हिट किया, हाई टेम्परेचर पे जब हिट किया तो इन्होंने देखा कि एक अजीबोगरीब कंपाउंड मिल रहा है NH2 सी डबल बॉन्ड और NH2। देखा जाए NH2 सी डबल बॉन्ड और NH2, इस कंपाउंड का नाम है यूरिया। क्या नाम है इसका, यूरिया। और यह एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह एक कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी यहां पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि हमने इनपुट में लिया क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और फाइनली हमें क्या प्राप्त हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जो वाइटल फोर थ्योरी था वो क्या हो गया, वुड आउट हो गया, बैक आउट हो गया, और ये नया एक डेफिनेशन जनरेट हो गया कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं। यानी यह लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी प्राप्त किया जा सकता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी प्राप्त किया जा सकता है, दोनों तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो यह किसने दिया था, फ्रेडरिक होलर साहब ने, इन्होंने दिया था इस थ्योरी को 1828 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1828 ईस्वी। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका रिसोर्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कहां से इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसका रिसोर्स या सोर्स, स्रोत। स्रोत यह प्राप्त किया जा सकता है लिविंग सोर्स के द्वारा, लिविंग सोर्स के द्वारा। लिविंग सोर्स में हमारे पास आ जाता है प्लांट, और प्लांट में यह प्राप्त होता है सुगर के रूप में, प्लांट से सुगर के रूप में, स्टार्च के रूप में, सेलुलोज के रूप में। ठीक है, प्लांट से क्या चीज के रूप में हमें प्राप्त होता है, सुगर, स्टार्च, सेलुलोज के रूप में। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सोर्स में एक और चीज आता है एनिमल। क्या आ जाता है, एनिमल। एनिमल से यह प्राप्त होता है प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। एक और चीज आता है एंजाइम के रूप में। क्या आ जाता है, एंजाइम के रूप में। तो ये कैसा सोर्स हो गया, लिविंग सोर्स। एक और सोर्स के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है जो है नॉन लिविंग सोर्स, नॉन लिविंग सोर्स, नॉन लिविंग सोर्स। नॉन लिविंग सोर्स में आ जाता है यह पेपर्स, पेपर्स आ जाता है। अब इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो सबसे मेजर एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे लाइफ में, वह सबसे पहला एप्लीकेशन है मेडिसिन के रूप में। किसके रूप में, मेडिसिन के रूप में, यानी औषधि बनाने में। दूसरा एप्लीकेशन हो जाता है क्लोथ में,
यानी वस्त्र निर्माण में। फिर आ जाता है थर्ड वन में, वह हो जाता है फूड के रूप में। इसके रूप में फूड के रूप में। अब फूड के रूप में यह हमारे कैसे जरूरी है, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या मिलाया जाता है, एडिटिव्स मिलाया जाता है, एंजाइम मिलाया जाता है, ताकि जो उसका प्रॉपर्टी है वह ज्यादा समय तक क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, वह खराब ना हो। पैकेट का दूध हम लोग लेते हैं डेली डे बाई डे, वह कैसे उतना दिन तक रह जाता है, उसमें एंजाइम्स मिलाए जाते हैं, वह भी वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। मेडिसिन जो हम लोग अक्सर लेते हैं वह किसका एग्जाम्पल है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उदाहरण है। तो अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के संरचना के बारे में। ठीक है, यह इंट्रोडक्शन यहाँ पे आके खत्म होता है। अब हम लोग इसका देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, कंडेंस फॉर्मूला के बारे में जानेंगे हम लोग, लेविस स्ट्रक्चर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने देख रखा है, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। संरचना के बारे में इसका देखना है, इसके संरचना क्या क्या है, संरचना के क्या क्या सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली जो बॉन्ड मिलता है वह मिलता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब दोनों तरफ से जो भी हमारे पास सब्सट्रेट है दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन का बराबर शेयरिंग हो। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक सब्सट्रेट है हमारे पास ए, क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक सब्सट्रेट है ए, दूसरा सब्सट्रेट है बी, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब मान लीजिए इधर से कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा हो एक, और इधर से कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा हो एक, यानी जब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा हो तब जो फॉर्मेशन होता है वह होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली जितना भी हमें बॉन्ड मिलेंगे वह कौन से बॉन्ड मिलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड मिलेंगे, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग रहेगा वह सभी सब्सट्रेट का क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा। अब मान लीजिए शेयरिंग तो हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हो गया, अब मान लीजिए सपोज दैट यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा, तो इसके ब्रेक होने के दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो संभावनाएं हैं। मान लीजिए कि इसका सिचुएशन कुछ टाइम में ऐसा हो जाए कि यह ज्यादा मजबूत हो जाए और भी क्या हो जाए, कमजोर हो जाए, तो उस केस में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वह ज्यादा करीब हो जाता है ए का और बी से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो इस केस में ए पे आ जाता है निगेटिव चार्ज और बी पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो इस विखंडन को बोला जाता है विषमांश विखंडन, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। अब मान लीजिए दोनों बराबर फोर्स से खींच रहा है, तो हो उस केस में जो है इसके पास आधा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके पास आधा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन का पार्टीशन क्या होगा, बराबर बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा क्या होगा, बराबर बराबर होगा। अब मान लीजिए सपोज दैट थर्ड कंडीशन में जो ब्रेक
बी का जो अट्रैक्टिंग पावर है, जो विड्रॉइंग पावर है, जो खींचने की क्षमता है, वह क्या है, ए से ज्यादा हो, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वह ज्यादा करीब रहेगा बी के और ए से क्या रहेगा, दूर रहेगा। तो उस केस में जो है बी पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और ए पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बस आपको समझना है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण तब होता है जब उसमें सब भाग लेने वाले सबट्रेट का, सबट्रेट मतलब क्या क्या है सबट्रेट, देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें तीन चीजें भाग लेती हैं। पहला होता है एस, एस करने का मतलब है सबट्रेट, एस मैं किसको बता रहा हूं, सबट्रेट। ठीक है, और एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीएजेंट। क्या होता है, रीएजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकर्व, और जो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तीन चीजें यह होती हैं कहां, केमिकल रिएक्शन के अंदर। आपको जानना जरूरी है सबट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। मैं थोड़ा सा टाइम लेके इसको बताऊंगा। सबट्रेट यानी जो रिएक्शन में भाग ले रहा है, रिएजेंट जो रिएक्शन को कराने में मदद कर रहा हो या रिएक्शन को करा रहा हो उसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट। और ये दोनों मिलकर जो रिजल्ट देते हैं उसको बोला जाता है प्रोडक्ट, उत्पाद। रिएजेंट जो है या एक क्षणिक क्षणिक प्रॉपर्टी होता है इसका, क्षणिक काम होता है, यानी ये आता है रिएक्शन में मिल जाता है, अपना काम करता है, फिर प्रोडक्ट मिलने के बाद रिएक्शन से क्या होता है, बाहर हो जाता है। यानी कुल मिलाकर रिएक्शन कर कौन रहा है, सबट्रेट, रिएक्शन करा कौन रहा है, रिएजेंट, और दोनों मिलकर क्या बना के दे रहा है, प्रोडक्ट, उत्पाद। तो ये होता है सबट्रेट। फिलहाल हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर के ऊपर, कोवेलेंट बॉन्ड समझ गए, बॉन्ड शेयरिंग समझ गए, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। अब हमें देखना है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले हम देखते हैं लेविस स्ट्रक्चर। क्या देखते हैं, लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर तो यहां पे देखते हैं कि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब मान लीजिए लेवी साहब ने बताया कि ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वह उसमें कौन से बॉन्ड रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, सहसंयोजक बॉन्ड रहता है। अब उन्होंने एक और चीज बताया कि अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है तो इसको उन्होंने बताया सिंगल डैश के द्वारा। किसके द्वारा बताया, सिंगल डैश, डी ए एस एच, सिंगल डैश, और एक लाइन खींच दिया उन्होंने। अगर आपके ऑर्गेनिक रिएक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, तो इसको उन्होंने बोला डबल डैश। क्या बोला, डबल डैश, और इसको दो लाइन के द्वारा इंडिकेट कर दिया। मान लीजिए सपोज दैट ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो इसको उन्होंने बोल दिया ट्रिपल डैश
पीपल डैश और तीन लाइन के द्वारा उन्होंने इसे दिखा दिया। तो ये बताया लेविस साहब ने, किसने बताया, लेविस साहब ने। एक और चीज साथ में उन्होंने बता दिया कि अगर इससे हट के कोई कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए हेलोजन है या कोई अदर हेट्रोलाइटिक एटम है, हेट्रो एटम है, तो इसके लिए उन्होंने बताया, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके पास सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यानी जिसमें क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे आप वहां पे लोन पेयर दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, उससे आपके स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए सपोज दैट आपके पास मिथाइल एल्कोहल है या इथाइल एल्कोहल ले लेते हैं, CCO और यहां जो H। अब देखिए ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार। यहां पे इस चीज को हम दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, स्ट्रक्चर पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसने बताया, लेविस साहब ने बताया, ठीक है। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक के अंदर। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में कि स्ट्रक्चर होते कितने टाइप के हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस कितने स्ट्रक्चर के द्वारा हम बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ठीक है। पहला देखते हैं या टाइप्स ऑफ फॉर्मूला लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। पहला देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र, क्या बोलते हैं इसको, अणुसूत्र। अब अणुसूत्र क्या है, अणुसूत्र जब हम देखने जा रहे हैं तो अणुसूत्र है क्या, तो एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के टोटल संख्या को क्या बोलते हैं, अणुसूत्र बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक एग्जांपल है H2O, क्या है एग्जांपल, H2O, वाटर, सभी लोग जानते हैं। तो इसमें जो है हाइड्रोजन के कितने संख्या है, दो, और ऑक्सीजन कितना है, एक। यानी जल के एक अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु क्या है, उपस्थित है। तो यह चीज किस फॉर्मूला को बता रहा है, यह बता रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को बता रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र या आणविक सूत्र, ऐसे बता सकते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास है C2H2, क्या है C2H2, क्या नाम है इसका, एसिटिलीन, क्या नाम है, एसिटिलीन या इथाइन, क्या है, एसिटिलीन या इथाइन। तो इसमें जो है एसिटिलीन क्या है, अणु है, मॉलिक्यूल से, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, मॉलिक्यूल से, और एसिटिलीन एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसमें कार्बन के दो एटम और हाइड्रोजन के दो एटम उपस्थित रहते हैं।
ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यानी वैसा सूत्र जो अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अणु सूत्र बोलते हैं। लिख लेंगे आप लोग, एग्जाम्पल से मैं बता दिया हूं, आप लोग और भी एग्जाम्पल बना लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल थर्ड में आप बना लीजिएगा C2H6 को, इसको कैसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल फोर में आप लिख लीजिएगा C6H6, या ये क्या है, बेंजीन है, यानी जिसमें कार्बन के 6 एटम है और हाइड्रोजन के कितने एटम है, 6 एटम है। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप लोग CH3 CH2, और यहाँ क्या है OH, CH3 CH2 और OH, यानी इसमें आपको बताना है कि कार्बन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, आसान है। अब हम लोग दूसरे फॉर्मूला के बारे में देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला के बारे में देखते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसका क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या अंतर है, ये देखते हैं। दो में हम देखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला संरचना सूत्र संरचना सूत्र। अब ये क्या है संरचना सूत्र, क्या है? अब एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास है C2 और H6, क्या है C2H6, यह कैसा फॉर्मूला है, C2H6 एक कैसा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि नहीं है। अब इसके सजावट के बारे में जो बताता है, इसके सजावट के जो बारे में बताता है वह कहलाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखा जाए, अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यह बता दिया कि जो इसमें एटम है वो कौन कौन से एटम है और कितने हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वह बताता है कि यह अणु तो है लेकिन इसमें जो भी परमाणु उपस्थित है वह कैसे किस संरचना में उससे जुड़ा हुआ है, किस उपस्थित है, उसका क्या कहां कहां वह होगा उस एटम में, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये कौन बताता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखिए C2H6 यह हमारे पास क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम देखते हैं CH H H H H और H। अब देखिए इसी अणु सूत्र को जो है इसने कैसे बता दिया, स्ट्रक्चर के रूप में बता दिया, एक संरचना के रूप में बता दिया कि इसके जो दोनों कार्बन है वो कहां उपस्थित रहेंगे, सेंटर में उपस्थित रहेंगे और जो 6 हाइड्रोजन है वह उस सेंटर से जुड़ा रहेगा, है कि नहीं। तो संरचना सूत्र क्या बताता है, उसके एटम के सजावट के बारे में बताता है, जो भी परमाणु जुड़े हुए हैं उसके संरचना के बारे में बताता है। तो यह क्या हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यह क्या हो गया हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आ रहा है बात समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। एक और एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं,
मान लीजिए हमारे पास है C2H2, क्या है C2H2, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन गैस है, या ये कौन सा कंपाउंड है, एसिटिलीन, एसिटिलीन। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इथाइन, क्या बोल सकते हैं, इथाइन, ठीक है। अब यह कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF लिख रहा हूं मैं इन शॉर्ट में, MF, MF का मतलब क्या है स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमें बताना है इसका इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका संरचना सूत्र क्या होगा, इसके कौन से एटम कहां रहेंगे। देखा जाए सी, और कितने हाइड्रोजन है इसमें हमारे पास, दो, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, ट्रिपल बॉन्ड सी और एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, या क्या बन गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसको इन शॉर्ट में मैंने क्या लिख दिया, ऐसे, यानी इसके जो दो कार्बन एटम है वह सेंटर में उपस्थित रहेंगे और इसे क्या जुड़ा रहेगा, दोनों हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहेगा, वह क्या बन गया अपने पास, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अरे बात समझ में, एक और चीज है, सो स्टूडेंट टाइम अपना ओवर हो चुका है, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फॉर्मूला में दो फॉर्मूला देखा, फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए, अगर ये आप फिर देख कर रख दीजिएगा फिर इससे कुछ फायदा नहीं होगा, पहले 11th का जो भी मैं बता रहा हूँ उसको देख लीजिए, उससे जाके फिर 12th देखिए आप, बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।